ये लग रहा है, और इंचेस काफी लूज है, जहाँ पे मेरी वेस्ट साइज 36 थी तो 34 हो गई। हाँ, मैं रहती थी ठाकुर कॉम्प्लेक्स में, बट अभी मेरी शादी हो गई तो मैं अहमदाबाद रहती हूँ। ओके ओके, वेरी गुड, बहुत सारे। मुझे लगता है कि आप शुरू के अग्नि शक्ति से जुड़ने वाले लोग, जहाँ पे फर्स्ट स्टार्ट किया था मैं 3 इयर्स आती थी आपके पास। बिल्कुल, और मतलब वो समय तो कमाल का ही समय था। जायदा जी जो उस समय जो मतलब क्या कहें, गोल्डन मेमोरीज, गोल्ड मेमोरीज थे। उसकी वजह से ही मैंने बहुत सारा ज्वाइन किया, बहुत सारी क्लासेस ज्वाइन की, बट मुझे जो आपका जो सूट हुआ था ना, तो फिर मैंने सोचा कि आपसे ही मुझे अब मेरा वेट लॉस करवाना है। तो मैम, मुझे एक्चुअली थायराइड का प्रॉब्लम है। मैं 125 mg की गोल्ड टैबलेट भी लेती हूँ। काफी लूज हुए, 2 इंचेस लूज हुए, थाइज से भी फैट गया है, और इंचेस काफी लूज हुए, जहाँ पे मेरी वेस्ट साइज 36 थी तो 34 हो गई है, और हिप साइज 45 थी तो 43 हो गई है। इंचेस लूज हो रही है, और फेस का फैट भी रिड्यूस हुआ है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। माइग्रेन का प्रॉब्लम रहता था सुबह सुबह, बट वो भी नहीं है, नहीं करती थी। मैं सिर्फ चाय पीती थी और एक टोस्ट खा लेती थी, क्योंकि मुझे ऐसा था कि जितना ज्यादा खाएंगे उतना ज्यादा वेट बढ़ेगा। तो मैंने कभी ब्रेकफास्ट नहीं करती थी, और लंच भी मैं थोड़ा ही लेती थी, 2-3 रोटी करके। फिर अभी तो मैं बहुत ज्यादा खा भी रही हूँ, और मुझे अच्छा भी लग रहा है कि हाँ भाई, भूख लग रही है तो खाएंगे तो वेट गेन नहीं होगा वैसे। और मैं खाने के बाद भी मैं वो वेइंग मशीन में चढ़ जाती हूँ कि भाई वेट ज्यादा तो नहीं हो रहा है, बट उतना ही रहता है, स्टेबल हो जाता है। मुझे 30 तक जाना है, कि मुझे 30 वेस्ट हो तो अच्छा है। ओके, 30 तो हो सकता है कि इस महीने तो 28 क्यों नहीं। हाँ, 30 हो जाए तो फिर ज्यादा वो करने की। थैंक यू मैम।